और अब बात महाराष्ट्र मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी से मचे सियासी घमासान की करेंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर सामना ने आज के संपादकीय में कुछ अहम सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर साजिश के आरोप लगाए हैं। सामना में यह पूछा गया है कि सरकार को परेशानी में डालने के लिए कोई परमवीर सिंह का इस्तेमाल क्या कर रहा था। जिस सचिन वाजे की वजह से ये तूफान खड़ा हुआ, उसे इतने असीमित अधिकार किसने दिए। सामना में यह भी लिखा गया कि अगर सचिन वाजे को उसे उसी समय रोका गया होता तो मुंबई पुलिस कमिश्नर पद की प्रतिष्ठा बच गई होती। सामना ने देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में मोदी शाह से मुलाकात पर लिखा है, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर मोदी और शाह से मिलते हैं, दो दिन में परमवीर सिंह ऐसा पत्र लिखकर खलबली मचा देते हैं। उस पत्र का आधार लेकर विपक्ष जो हंगामा करता है, ये एक ऐसी साजिश का हिस्सा नजर आता है। सामना में यह भी लिखा गया कि महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों का निरंकुश इस्तेमाल शुरू हो चुका है।